एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये नंबर हमें यह बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी शेल के कौन से सब शेल में प्रेजेंट है। इसे हम L से डिनोट करते हैं। L की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है, यानी अगर कोई शेल नंबर 2 है तो उसमें दो सब शेल होंगे जिनकी L की वैल्यूज़ होंगी 0 और 1। इन L की वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड नेम भी होता है कुछ इस तरह से। L की वैल्यू 0 को हम S सब शेल कहते हैं, L की वैल्यू 1 को हम P सब शेल कहते हैं, L की वैल्यू 2 को हम D, 3 को F और 4 को G कहते हैं। पिछले एग्जांपल में सेकंड शेल में दो सब शेल होंगी जिनके स्टैंडर्ड नेम्स होंगे 2S और 2P। इन स्टैंडर्ड सब शेल्स के शेप्स डिफाइन किए जाते हैं, जैसे S का स्फेरिकल, P का डंबल, D का डबल डंबल और F का 8-fold। थैंक यू।